दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर 12 क्लास की सेकेंड ईयर की एच पोयम माय हेवन की स्टडी करेंगे, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने कंपोज्ड किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 और मृत्यु 1941 में हुई थी। दोस्तों पहले स्टेंज की स्टडी करते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, जहां पर मन बिना डर के हो और सर सम्मान के साथ ऊंचा हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां पर पढ़ाई मुफ्त हो। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। ब्रोकन अप, ब्रोकन अप मीन टूटना। फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स मीन छोटे छोटे टुकड़े। नैरो, नैरो मीन तंग या सख्त। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मीन घरेलू। वॉल्स, वॉल्स मीन दीवारें। जहां पर संसार छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ ना हो घरेलू सख्त दीवारों द्वारा। इस स्टेंजा में पोएट कहना चाहता है कि उसके देशवासियों में अच्छे गुण होने चाहिए, उन्हें किसी भी वजह से शर्म या डर का सामना ना करना पड़े, उनमें सम्मान, उनमें आत्मसम्मान और गर्व हो, उनमें दिखावे की देशभक्ति ना हो, सारा संसार सबका घर माना जाए, वे टुकड़ों में ना बटें। दोस्तों हम नेक्स्ट स्टेंजे की स्टडी करते हैं। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप ऑफ ट्रूथ। डेप, डेप मीन गहराई, जहां पर अल्फाज सच की गहराई से बाहर आते हों। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। टायरलेस, टायरलेस मीन ना थकने वाला, यानी लगातार। स्ट्राइविंग, स्ट्राइविंग मीन कोशिश। स्ट्रेचेज, स्ट्रेचेज मीन फैलाओ। आर्म्स, आर्म्स मीन बाहें। परफेक्शन, परफेक्शन मीन पूर्ति या सुधार। जहां पर लगातार कोशिश पूर्ति के लिए अपनी बाहें फैलाती हो। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इन टू द ड्रीयरी डिजर्ट सेंट ऑफ डेड हैबिट। स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन बहती धारा। ड्रीयरी, ड्रीयरी मीन सुनसान। डिजर्ट, डिजर्ट मीन रेगिस्तान। सेंड, सेंड मीन रेत। डेड हैबिट, डेड हैबिट मीन पुराने रीति रिवाज। जहां पर बहती हुई धारा अपना रास्ता ना खोती हो, पुराने रीति रिवाजों के सुनसान रेगिस्तान की रेत में। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई थी इन टू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। एवर वाइडनिंग मीन हमेशा आगे की तरफ को बढ़ना। थी, थी मीन तुझे या तुम्हें। जहां पर मनुष्य का दिमाग आगे की तरफ को बढ़ता हो, तुम्हारे द्वारा बताए हुए विकास की ओर बढ़ने वाले विचार और कार्यों पर। Into that heaven of freedom, my father let my country awake. Heaven, heaven mean jannat, awake, awake mean जागना। मेरे पिता मेरे देश को इस आजाद जन्नत में जगा दे। इस स्टेंजा में कवि कहता है कि उसके देश के लोग सच्चे हों, वे अपने कामों की पूर्ति के लिए लगातार कोशिश करते रहें, पुराने और बेकार के रीति रिवाजों को समाप्त कर दें। वे ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसके देशवासियों को हमेशा हमेशा आगे की तरफ को बढ़ने वाला विचार दे। अगर उसके देशवासियों के पास अच्छे गुण होंगे तो वे समझेगा कि उन्हें आज़ादी हासिल है और उसका देश जन्नत के समान है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ईसा टू ईसा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching this video.